आई एम योर होस्ट अलका एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन न्यूज़। और नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल प्रोग्राम। वेल, स्पेशल प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि जिनके करियर को रफ्तार मिलने वाली है, जी हाँ, वो बॉबी देओल। 4 साल से बॉबी देओल के करियर की बात करें तो उनके करियर का ग्राफ काफ़ी डाउन था, लेकिन सलमान खान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनको अपनी रेस में शामिल कर लिया और उस रेस के साथ साथ उनके करियर को रफ्तार देने लगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सलमान खान की कुछ ज़्यादा ही दरिया दिली देखने को मिल रही है बॉबी देओल के लिए। जी हाँ, एक के बाद एक सलमान बॉबी के लिए फिल्मों की लाइन लगा रहे हैं। वो कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको बता दें कि सलमान खान को रिसेंटली एक फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ा और उन्हें लगा कि ये जो रोल है वो भाई बॉबी देओल पे परफेक्ट बैठता है। तो फिर इसके बाद क्या था, उन्होंने वो फिल्म दिलवा दी बॉबी देओल को। लेकिन यहाँ पर बॉबी देओल अपने जो करियर के ग्राफ से काफ़ी डरे हुए हैं, इतने सालों बाद कमबैक के बाद उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका करियर फिर से डाउन ना हो जाए, इसलिए बॉबी देओल ने मना कर दिया है इस फिल्म के लिए। बोल दिया है कि फिलहाल अभी वो मल्टी स्टारर फिल्मों पर फोकस करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह से बॉबी देओल का करियर हमेशा गॉसिप की गलियारों में बना रहा, तो वहीं हम आपको बता दें कि इनके रिलेशनशिप की भी काफ़ी चर्चाएं थी। वेल, वो कैसे, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमारे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल एक फेमस एक्टर में से एक है और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल एक्टर में से भी। बता दें कि एक टाइम पर बॉबी देओल की पॉपुलैरिटी खूब थी, उनकी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन एक ऐसा समय आया जब बॉबी देओल का करियर काफ़ी डाउन होता चला गया। उसके बाद बॉबी देओल अब अपने करियर की नई पारी शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, वो पारी है फिल्म रेस 3 के जरिए, जिसमें सलमान ने उन्हें ये फिल्म दिलाई है। बता दें कि बॉबी देओल कई बार सलमान की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बॉबी देओल, जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन इसके साथ ही साथ बॉबी देओल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहे। जी हाँ, बॉबी देओल से जुड़ा आज हम आपको एक ऐसा राज बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, बॉबी देओल की लाइफ से जुड़ा एक ऐसा राज जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि आज बॉबी देओल अपनी फैमिली से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की भी थी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे और वो प्यार इस कदर करते थे कि वो उनसे शादी तक करना चाहते थे। बता दें कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि 90 के दशक की सफल एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस नीलम कोठारी की। जानकारी दे दें कि दोनों एक साथ जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन एक इंसान की वजह से उनकी लव लाइफ खत्म हो गई थी। बता दें कि खबरों के अनुसार इन्हें अच्छी जोड़ी की तरह हर जगह देखा जाता था। फैंस भी इन्हें एज अ कपल काफ़ी पसंद करते थे और फिल्मों में देखना चाहते थे। बता दें कि फिल्म शूट के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और नीलम और बॉबी देओल एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसी के साथ आपको बता दें कि सब अक्सर यही कहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द शादी भी करने वाले हैं, ये कहा जाता था कि हाँ, इनका प्यार इस कदर हर जगह दिखता था कि लोग बस यही कहते थे कि ये दोनों शादी भी कर लेंगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद दोनों अचानक अलग हो गए। इनके अलग होने की खबरें मीडिया में आई और इनके अलग होने के कई सारे रीजंस मीडिया में आए। जी हाँ, बॉबी देओल और नीलम के ब्रेकअप की यूं तो कई बातें मीडिया में आई, लेकिन सबसे एक अहम कारण जो आया जो सबके लिए काफ़ी शॉकिंग भरा था, और वो रीज़न ये था कि धर्मेंद्र, जी हाँ सही सुना, धर्मेंद्र बॉबी देओल के पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि बॉबी देओल या सनी देओल की एक फिल्म एक्ट्रेस से शादी करें। इसलिए उन्होंने, धर्मेंद्र ने बॉबी देओल और नीलम कोठारी का रिश्ता तोड़वा दिया और मजबूरन बॉबी को अपने पिता के आगे झुकना पड़ा और इसके साथ ही वो रिश्ता टूट गया। वेल, इसके साथ ही आपको बता दें कि बॉबी देओल का रिश्ता तो धर्मेंद्र ने तोड़वा दिया, लेकिन कहा यही जाता है कि शायद धर्मेंद्र को फिल्मी दुनिया का ज़्यादा अनुभव था, इसलिए उन्होंने बॉबी देओल और सनी देओल के अरेंज मैरिज करवाए, वो भी मीडिया से छुपकर। जी हाँ,
जब बॉबी देओल और सनी देओल दोनों की ही शादियां हुई तब मीडिया को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी और दोनों की शादी हो गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि बॉबी देओल और नीलम कोठारी के रिश्तों को लेकर यूं तो मीडिया में कई सारे रीजंस आ चुके हैं कि दोनों का ब्रेकअप किन किन वजह से हुआ, लेकिन जो सबसे मेन रीजन इन दोनों के ब्रेकअप का बताया जाता है वो पिता धर्मेंद्र ही बताए जाते हैं कि पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि बॉबी देओल के संबंध एक एक्ट्रेस के संग रहे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बॉबी देओल और एक्ट्रेस नीलम कोठारी का रिश्ता तुड़वा दिया। बॉबी देओल 90 के दशक के सुपरस्टार थे, लेकिन फिर उनका करियर धीरे धीरे फ्लॉप होता चला गया। बरसात, गुप्त, सोल्जर जैसी फिल्मों के साथ वो इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल कर चुके थे। सलमान की रेस 3 अब बॉबी देओल अपने करियर की नई पारी खेलने को तैयार है। बता दें कि बॉबी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस तरह उनका करियर फ्लॉप चल रहा था। बॉबी ने बताया कि उनका करियर फ्लॉप चल रहा था तो कभी भी वो किसी से काम मांगने नहीं गए, लेकिन सोशल मीडिया आया और नया एक्टर का दौर आया तो काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। घर का प्रोडक्शन हाउस था, लेकिन मैंने अपने रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसलिए मैंने दाढ़ी बढ़ाई और शायद इस लुक से मुझे काफी रोल ऑफर हुए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे अपने पिता को एक फ्लॉप एक्टर के तौर पर ना देखे बल्कि एक सफल एक्टर के तौर पर पहचान। मेरे पिता हमेशा हमें इंस्पायर करते रहे। बता दे कि मैं भी अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहता था। मेरी पत्नी को मेरी काबिलियत पर भरोसा था और मेरे लिए यही चीज सबसे जरूरी थी। उन्होंने कहा कि मैं सलमान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे काम दिया। वाले इसी के साथ आपको बता दें कि बॉबी देओल सलमान की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए, लेकिन साथ ही साथ बॉबी देओल का करियर एक ऐसे मुकाम पर आ गया था जहां बॉबी देओल पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और वो शराब पीने लगे थे। जी हाँ, यही वजह मानी जाती है, लेकिन कुछ तो यही कहते हैं कि बॉबी देओल का जो करियर था वो शराब पीने की वजह से बर्बाद हुआ क्योंकि वो हद से ज्यादा शराब पीने लगे थे। वेल, इसी के साथ आपको बता दें कि बॉबी देओल के करियर की फ्लॉप कहानियां बहुत सी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बॉबी देओल अब फाइनली अपनी नई पारी के लिए तैयार हैं, तो देखना होगा कि फिल्म रेस 3 में बॉबी देओल क्या कमाल दिखाते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बॉलीवुड में बॉबी देओल को अब कई सारे रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बॉबी देओल जहां एक तरफ अपने फ्लॉप करियर को लेकर सुर्खियों में थे तो एक टाइम पर अपने रिलेशनशिप को लेकर भी बॉबी देओल सुर्खियों में रहे। जी हाँ, कहा जाता है कि सलमान की ऑन स्क्रीन बहन यानी कि नीलम कोठारी के साथ बॉबी देओल का रिलेशनशिप था, जहाँ ये कहा जाता था कि बॉबी देओल नीलम कोठारी से हद से ज्यादा प्यार करते थे। वो नीलम कोठारी के प्यार में इस कदर पागल थे कि वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र ये नहीं चाहते थे कि वो एक एक्ट्रेस से शादी करें। जी हाँ, कुछ इस तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने खुद एक एक्ट्रेस से शादी की है तो उसमें ये बात जरा खबरों के नाते सर के ऊपर से जाती है। लेकिन बता दें कि बॉबी देओल से नीलम कोठारी की शादी ना होने के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र ही बताए जाते हैं। बॉबी देओल की फिल्म रेस 3 को लेकर चर्चाएं हैं। बॉबी देओल ने फिल्म की शूटिंग के समय की लोकेशन की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर शेयर करते हुए बॉबी ने लिखा, ये वही जगह है जहां पापा ने 1964 में फिल्म हकीकत की शूटिंग की थी। जी हां, शूट के दौरान वो अपने पापा धर्मेंद्र को भी याद करते हुए नजर आए। इसके आगे उन्होंने लिखा कि समुद्र तल से 17,582 फीट ऊपर खारदुंगला के पास भी शूट करने गए थे। साल 2018 में रेस 3 के गाने की शूटिंग का क्या अनुभव रहा, क्या रेस है। बता दें कि फिल्म रेस 3 में बॉबी और सलमान के अलावा अनिल कपूर, साकिब सलीम, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह हैं। फिल्म का ट्रेलर 15 मई को रिलीज हुआ था। बॉबी ने पिछले 4 साल से कोई भी फिल्म नहीं की है, इसलिए उन्हें इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि फिल्म क्या कमाल करती है। वेल, तो देखा आप सभी ने कि किस तरह बॉबी देओल का नाम सलमान की ऑन स्क्रीन बहन
जी हाँ, नीलम कोठारी के साथ जुड़ा था। वेल, रिलेशनशिप की खबरें इस हद तक आई थी कि बॉबी देओल नीलम से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पिता धर्मेंद्र को ये बात नहीं थी मंजूर। जी हाँ, पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि बॉबी देओल एक एक्ट्रेस से शादी करे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब धर्मेंद्र ने खुद भी एक एक्ट्रेस यानी कि हेमा मालिनी से शादी की है। वेल, यहाँ बॉलीवुड की दुनिया है जहाँ पर हजारों कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन उन थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स को हम दूर करते हैं। और साथ ही साथ आज स्पेशल प्रोग्राम में जिस तरह मैंने आपको बॉबी देओल के करियर से जुड़ी कुछ खास बातें बताई, ठीक इसी तरह से आप और भी सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते होंगे, देन यू आर फ्री टू कमेंट कर बताएं, देन उस सेलिब्रिटी के बारे में हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं nextmindnewscomment@gmail.com पर। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइबर्स।